हमारा टॉपिक होगा ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। ड्रेनेज सिस्टम का मतलब हम रिवर सिस्टम पढ़ेंगे पूरे इंडिया का, पूरे भारत का। इसमें हम देखेंगे कौन कौन सी रिवर कहाँ कहाँ से उसका सोर्स है और वो कहाँ पर अपने पानी को ड्रेन करती है। सो अगर हम इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम को देखें तो इसका बेसिकली ड्रेनेज सिस्टम दो भागों में बंटा हुआ है। नंबर वन पेरेनियल एंड पेनिनसुलर। पेरेनियल जिसे हम हिमालयन रिवर सिस्टम भी बोलते हैं, मतलब पेरेनियल रिवर सिस्टम उसे बोलते हैं जो सारा साल पानी इसमें भरा रहे और पानी ड्रेन होता रहो। लेकिन अगर हम पेनिनसुलर की बात करें तो पेनिनसुलर में इतने पानी का स्रोत नहीं है, तो जो हमारी नदियां हैं रिवर्स हैं उसमें पानी तभी आता है जब भारी भरकम बारिश हो। सो आइए स्टार्ट करते हैं ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। सो इंडिया इज़ ब्लेस्ड विद हंड्रेड्स ऑफ लार्ज एंड स्मॉल रिवर्स विच ड्रेन्स द लेंथ ऑफ ब्रेथ ऑफ द कंट्री। अगर हम इंडिया की बात करें तो कई सारी जो रिवर्स बड़ी और छोटी इसमें चलती हैं। सो द एनुअल यील्ड ऑफ वाटर इन द रिवर ऑफ द कंट्री इज दैट इज 1858, दैट इज 100 मिलियन क्यूबिक मीटर, दैट इज 1/3, 33.8 ऑफ विच इज द कंट्रीब्यूटेड बाय द ब्रह्मपुत्र फॉलोड बाय गंगा 25.2% एंड गोदावरी 6.4%, द इंडस 4.3%, महानदी 3.6%, कृष्णा 3.4% एंड नर्मदा। सो दीज आर काइंड ऑफ प्रपोर्शन जो जैसे जैसे जो नदियाँ उस प्रपोर्शन में अपना जो पानी ड्रेन करती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन ऑफ द रिवर द इंडियन ड्रेनेज सिस्टम कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू नंबर वन दैट इज हिमालयन रिवर सिस्टम इंक्लूडिंग इंडस ब्रह्मपुत्र गंगा एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। हिमालयन सिस्टम मतलब पेरिनियल जो सारा साल पानी से भरी रहे। इनमें बेसिकली हमारे पास तीन नदियां हैं, इंडस है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है। सो सेकंड दैट इज पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, इसमें महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी नर्मदा तापी एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। वन थिंग स्पेशल ट्रिब्यूटरीज जो पानी को ऐड करे मेन स्ट्रीम में, और डिस्ट्रीब्यूटरी जो पानी को डिस्ट्रीब्यूट करे मेन स्ट्रीम से। ओके, डिस्ट्रीब्यूटरी में जो डिस्ट्रीब्यूटरी होती है वो पानी मेन स्ट्रीम में ऐड करती है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटरी मेन स्ट्रीम से पानी डिस्ट्रीब्यूट करती है मतलब बाहर लेके जाती है। सो सिमिलरली ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिएंटेशन टू द सी द इंडियन ड्रेनेज सिस्टम कैन बी डिवाइडेड नंबर वन बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज, सेकेंड दैट इज अरेबियन सी। बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज मतलब जो भी रिवर्स जो जितनी भी रिवर्स बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती हैं उन रिवर सिस्टम को हम बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं, और जो कुछ रिवर्स जो अरेबियन सी में गिरती हैं ड्रेन होती हैं उसे हम अरेबियन सी ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। सो बेसिकली जैसे हमें पता है कि जो ढलान है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ ही है, जिसके कारण द मैक्सिमम जो रिवर्स है हमारी वो हमेशा बे ऑफ बंगाल में ही ड्रेन होती हैं। सो अबाउट 77% ऑफ द ड्रेनेज एरिया ऑफ कंट्रीज ओरिएंटेड टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल। इट कंसिस्ट ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स लाइक गंगा ब्रह्मपुत्र महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी पेनारू वेगाई। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द रिवर्स जो बेसिकली बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है। वाइल 23% ऑफ द कंट्रीज ड्रेनेज सिस्टम और एरिया इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स द अरेबियन सी इंक्लूडिंग द इंडस नर्मदा तापी एंड साबरमती, उसके बाद माही एंड द लार्ज नंबर ऑफ द स्विफ्ट फॉलोइंग द वेस्टर्न कोस्ट रिवर डिसेंडिंग फ्रॉम द सह्याद्रीज। ओवर 90% ऑफ द वाटर कैरिड बाय द इंडियन रिवर सिस्टम इज ड्रेन इन टू द बे ऑफ बंगाल एंड रेस्ट इन टू अरेबियन सी। अगर हम पूरे पानी के 90% की बात करें तो 90% पानी जो है वो बे ऑफ बंगाल में ही जाता है और 10% अरेबियन सी में। सो एंड द रेस्ट इन टू द अरेबियन सी और फॉर्म्स एन इनलैंड ड्रेनेज। बेसिकली इनलैंड ड्रेनेज का मतलब क्या होता है, जो पर्टिकुलर रीजन में ही रिवर पैदा हो और उसी में ही ख़त्म हो जाए। सो वाटर डिवाइड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डिसाइडिंग द डायरेक्शन ऑफ द रिवर फ्लो। जो वाटर डिवाइड है वो एक बहुत अच्छी और मेन भूमिका निभाते हैं रिवर के डायरेक्शन में, रिवर के फ्लो में, फ्लो की डायरेक्शन में मतलब। नेक्स्ट दैट इज हिमालयन रिवर सिस्टम।
सो हिमालयन रिवर्स आर द टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ एंटीसीडेंट ड्रेनेज, दैट इज देवर इन द एग्जिस्टेंस बिफोर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द हिमालयस, जो हिमालयस के पहले से ही विद्यमान है, पहले से ही एग्जिस्ट करती हैं। इट इज एविडेंट फ्रॉम द डीप गॉर्जेस ऑफ द रिवर। सो हिमालयन रिवर्स आर टिपिकली एग्जाम्पल ऑफ एंटीसीडेंट ड्रेनेज, मतलब जो हिमालय से, हिमालय के बनने से पहले से ही वहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द डीप गॉर्जेस ऑफ द रिवर्स लाइक इंडस, सतलुज, अलकनंदा, भागीरथी, ब्रह्मपुत्र एंड कोसी। ये हमें कैसे पता चला कि जो उसके बनाए हुए डीप गॉर्जेज है ना, गॉर्ज क्या होता है, जब रिवर बहुत समय तक चलती रहती है तो वो साइडों को काट के एक लंबी सी गॉर्ज बना देती है, मतलब साइड के वॉल्स उसके बहुत बिल्कुल स्टीप होते हैं, उसे हम गॉर्ज बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, दैट इज बिकॉज दीज रिवर्स आर फेड बाय द एक्सटेंसिव स्नो कवर ऑफ द हिमालयस, दे आर पेरेनियल इन नेचर। पेरेनियल मतलब सारा साल जो कि बहती रहती है। ठीक है, ये हमने पहले ही ऑलरेडी ऑब्वियसली कर लिया है। द जियोलॉजिकल अनस्टेबल कंडीशन एंड द फ्रायबल नेचर ऑफ द टेराइन कॉज्ड इनकंसिडरेबल द मीनरिंग और ड्रास्टिक चेंजेस इन द कोर्स एंड अनसर्टेनिटी एंड द कैप्रिशियसनेस इन द बिहेवियर। बेसिकली क्या है, जो जैसे हमें पता है कि जो हिमालयाज हैं उसके जो चोटियाँ हैं वो काफ़ी ऊंची हैं, बाद में कुछ नीची भी हैं, मतलब एक समान नहीं है, जिसके कारण जो पानी है वहाँ मीनरिंग, मीनरिंग का प्रोसेस होता है। मीनरिंग क्या होती है, जैसे हम बोल सकते हैं ना, जैसे कोई स्नेक मूव करता है, वो एक मीनरिंग में मीनरिंग स्ट्रक्चर बनाता है। इसी तरह पानी क्या करता है, मीनरिंग स्ट्रक्चर बनाता है अपने मूवमेंट में। द वैली आर इन द इमेच्योर स्टेज ऑफ द डिवेलपमेंट एंड देयर फॉर दे आर करेक्टराइज बाई द नंबर ऑफ रैपिड्स, वाटरफॉल्स एंड कैस्केड्स। तो जो हमारी वैलीज है वो इमेच्योर, प्रॉपरली मेच्योर नहीं है, जिनके कारण वहाँ पर हमें काफ़ी रैपिड्स मिलते हैं, वाटरफॉल्स भी मिलते हैं, कैस्केड्स भी मिलते हैं। उसके बाद एवोल्यूशन ऑफ हिमालयन ड्रेनेज। जियोलॉजिस्ट बिलीव दैट द माइटी रिवर कॉल दैट इज शिवालिक और इंडो ब्रह्मा ट्रवर्स द इंटायर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ हिमालयस। जो हमारे भूविज्ञानी हैं वे सोचते हैं, मानते हैं कि जो हमारी शिवालिक है या इंडो ब्राह्मा रिवर है वो इंडियन और जो ब्रह्मपुत्र है इसको, सारे रीजन को क्या करती थी, ट्रावर्स करती, ट्रावर्स मतलब मूव करती थी, जिसका एक्सटेंट क्या था, दैट इज हिमालय फ्रॉम असम टू पंजाब एंड ऑनवर्ड टू सिंध, जो सिंध की तरफ भी मूव करती थी एंड फाइनली डिस्चार्ज इन टू गल्फ ऑफ सिंध नियर लोअर पंजाब ड्यूरिंग द म्यूसिन पीरियड। द रिमार्केबल कंटिन्यूटी ऑफ द शिवालिक एंड इट्स ल्यूकेस्ट्राइन मार्जिन एंड द एल्यूवियल डिपॉजिट कंस्टिट्यूटिंग द सैंड्स, सिल्ट, क्ले, बोल्डर्स एंड कॉन्ग्लोमेरेट सपोर्ट दिस व्यू पॉइंट। इट इज ओपाइन दैट इन ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम इंडो ब्रह्मा रिवर वॉज डिसमेंबर्ड इंटू थ्री मेन ड्रेनेज सिस्टम। तो बेसिकली इस पैराग्राफ में यही बताया गया है कि जियोलॉजिस्ट ने ये माना है कि जो सबसे पहले एक शिवालिक नाम की बहुत बड़ी रिवर थी, जो कि हिमालय से असम तक, बाद में पंजाब और ऑनवर्ड सिंध तक ही चलती थी। धीरे धीरे वो वहाँ पर डिपॉजिट इकट्ठे करती गई और जो उसमें से रिवर्स हैं वो अलग होते गए, जैसे जैसे वहाँ पर वो सेडिमेंट्स इकट्ठे करती गई। सो मेन ड्रेनेज सिस्टम कौन कौन से हैं, नंबर वन इंडस, जिसकी 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, ये वेस्टर्न पार्ट में है, गेंजा दैट इज गंगा एंड इट्स हिमालयन ट्रिब्यूटरीज इन द सेंट्रल पार्ट, उसके बाद ब्रह्मपुत्र इन असम एंड इट्स हिमालयन ट्रिब्यूटरीज इन ईस्टर्न पार्ट। सो द डिसमेंबरमेंट वॉज प्रॉबेबली ड्यू टू द प्लीस्टोस्टीन अपहेवल इन द वेस्टर्न हिमालय इंक्लूडिंग द अपलिफ्ट ऑफ द पोतवार प्लेट्यू दैट इज डेल रिज। हो सकता है डेल रिज के कारण उनमें कहीं ना कहीं अपलिफ्ट होने के कारण जो डिसमेंबरमेंट, डिसमेंबर मतलब जो मेन रिवर है उससे छोटी छोटी रिवर्स अलग हो जाना।
सो विच एक्टेड एज द वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडस एंड गंगा ड्रेनेज सिस्टम, लाइक वाइज द डाउन थ्रस्टिंग ऑफ द मालदा गैप बिटवीन मालदा गैप किस किस के बीच में, राजमहल हिल्स एंड मेघालय प्लेटू, हमेशा याद रखना ड्यूरिंग द दैट इज मिड प्लीस्टो सीन पीरियड डाइवर्टर द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र सिस्टम फ्लो टूवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल। तो इसमें ये कुछ खास नहीं, इसने बताया है कि जो पोतवर प्लेट्यू है जब वो अपलिफ्ट हुआ तो उसके कारण जो जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र अलग होगी तो इंडस अलग होगी, ठीक है, मालदा गैप के कारण बेसिकली। सो नेक्स्ट हमारा सिस्टम है दैट इज इंडस सिस्टम, जैसे इंडस रिवर सिस्टम भी बोलते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन ऑफ द वर्ल्ड कवरिंग एरिया ऑफ दैट इज 178.40 स्क्वायर किलोमीटर एंड द टोटल लेंथ इज दैट इज 2880 किलोमीटर। लेकिन अगर इंडिया में बात करें दैट इज ओनली 709 किलोमीटर। द इंडस आल्सो नोन एज सिंधु, इट इज वेस्टर्न मोस्ट ऑफ द हिमालय रिवर इन इंडिया। अगर हिमालय की बात करें तो हिमालय में सबसे वेस्टर्न मोस्ट रिवर कौन सी है, दैट इज सिंधु और इंडस। द इंडस ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ग्लेशियर नियर बुखारचू, दैट इज अभी इसकी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट है ये आपने थोड़ा दिमाग में रखना, इन द तिब्बतन रीजन एट एन एल्टीट्यूड ऑफ दिस इज 5182 मीटर इन द कैलाश माउंटेन रेंज। ये माना जाता है कि जो इंडस रिवर है ये कैलाश सरोवर झील से निकलती है। इन तिब्बत इट इज़ नॉन एज सिंगे खम्बान, याद हमेशा याद रखना, और दैट इज लायंस माउथ अंटिल इट इज़ ज्वाइंड बाय द धार, धार से जब तक ये धार से नहीं जुड़ती तो इसे सिंगे खम्बान बोलते हैं। इट एंटर्स इंडिया एंड कंटिन्यू टू फ्लो इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बिटवीन लद्दाख एंड जास्कर रेंजेस, ठीक है, जैसे ही इंडिया में ये मूव करती है, एंटर करती है सॉरी, ये लद्दाख और जांस्कर की रेंजेस में मूव करती है। द इंडस फ्लो ओनली थ्रू द लेह डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो इंडस है ये जम्मू एंड कश्मीर के लेह डिस्ट्रिक्ट में मूव करती है। द ग्रेडियंट ऑफ द रिवर इज वेरी जेंटल सो इट रिसीव्स अ नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज शियोक गिलगिट गोरतांग जांस्कर पूंजा नुबरा सिगार गास्टिंग एंड दरास। ये क्या है, ये सारी ट्रिब्यूटरीज है किसकी, इंडस की, याद रखनी हमेशा। सो इंडस एंटर्स पाकिस्तान नियर चिलार इन दादिस्तान रीजन एंड फाइनली इमर्जेज आउट ऑफ द हिल्स नियर एटॉक वेयर इट रिसीव अ काबुल रिवर ऑन इट्स राइट बैंक, ओके। तो ये बेसिकली उसने बताया है कि जो इंडस है वो एंटर करती है पाकिस्तान में जो चिल्लार नाम का एक रीजन है, ठीक है, जो दस्तीदान के दारिस्तान के पास है और फाइनली इमर्ज हो जाती है एटॉक के पास जो हिल्स हैं, ठीक है, तो वेयर इट रिसीव्स अ काबुल रिवर ऑन इट्स राइट बैंक। तो राइट बैंक पर ये काबुल की जो रिवर है वो भी रिसीव करती है। द अदर इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ज्वाइनिंग द राइट बैंक ऑफ द इंडस आर द दैट इज खुर्रम द टोची गोमल विबोवा एंड द संगार। तो देयर ओरिजिनेट इन द सुलेमान रेंजेस, ये भी सुलेमान रेंजेस से पनपती हैं और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी, इंडस की। द रिवर फ्लोज साउथवर्ड एंड रिसीव द पंचनाद अ लिटल नॉर्थ ऑफ मिठानकोट, वेरी इंपॉर्टेंट। द पंचनाद इज अ नेम इज गिवन टू द एक्यूमुलेटेड वाटर ऑफ द फाइव रिवर्स ऑफ पंजाब, नेमली दैट इज झेलम चेनाब द रावी द ब्यास एंड द सतलुज। इंडस फाइनली डिस्चार्ज इन टू द अरेबियन सी ईस्ट ऑफ कराची। द एवरेज एनुअल फ्लो ऑफ वाटर इन द इंडस रिवर इज 110450 मिलियन क्यूबिक मीटर एट कालाबाग, इम्पॉर्टेंट। Yes. अभी हम पंचनाद की जो रिवर्स हैं वो पढ़ेंगे। द झेलम एंड इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, इंडस की ट्रिब्यूटरी है, राइजेस फ्रॉम द स्प्रिंग ऑफ वेरीनाग, वेरी इंपॉर्टेंट, जो वेरीनाग का स्प्रिंग है वहाँ से पैदा होती है। एल्टीट्यूड है इसका 4900 मीटर इन साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ वैली ऑफ कश्मीर,
ठीक है, वैली ऑफ कश्मीर के अगर हम साउथ ईस्टर्न पार्ट में देखें तो वहाँ स्प्रिंग ऑफ वेरिनाग मिलेगा, वहाँ से जो झेलम है ये पैदा होती है, निकलती है, इसका सोर्स है। इट फ्लोज नॉर्थवर्ड थ्रू द श्रीनगर एंड वूलर लेक। ये मूव करती है नॉर्थवर्ड को श्रीनगर के साथ और वूलर लेक। एट द मुजफ्फराबाद द रिवर टेक्स अ हेयर पिन बैंड साउथवर्ड। मुजफ्फरबाद में ये हेयर पिन एकदम से बैंड लेती है साउथवर्ड डायरेक्शन में एंड रिसीव वाटर दैट इज किशन गंगा ऑन इट्स राइट बैंक। जैसे ही ये पिन बैंड लेती है तो ये राइट तरफ से मतलब राइट बैंक से किशन गंगा नाम की जो ट्रिब्यूटरी है इसमें ऐड हो जाती है। देयर आफ्टर इट फॉर्म्स द इंडिया पाकिस्तान बाउंड्री फॉर 170 किलोमीटर एंड अबर्जेज एट पोतवार प्लेट्यू नियर मीरपुर। तो एक तरह से ये इंडिया और पाकिस्तान में बाउंड्री भी बनाती है लगभग 170 किलोमीटर की, और बाद में अमर्ज हो जाती है किसके पास, पोतवार प्लेट्यू जो कि मीरपुर में है, मीरपुर के पास। इट्स मेन ट्रिब्यूटरीज आर नंबर वन लिदार, सिंध एंड पोहरू एंड कश्मीर हिमालय। ओके, ये सारे कश्मीर हिमालय से निकलते हैं। द एवरेज एनुअल फ्लो ऑफ वाटर इन द झेलम रिवर इज दैट इज 27890 क्यूबिक मिलियन क्यूबिक मीटर एट मंगला। इट्स जॉइन द चेनाब एट त्रिमू नियर झांग इन पाकिस्तान। ठीक है, ये चेनाब से मिलती है त्रिमू नाम की जगह में जो कि पाकिस्तान में है। नेक्स्ट, चेनाब द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस ओरिजिनेट्स नियर बारालाचा पास। जो हमारा बारालाचा पास है ना उसके पास से ये ट्रिब्यूटरी निकलती है। सो एंड फॉर्म्ड बाय द टू स्ट्रीम्स दैट इज चंद्रा एंड भागा। वेरी इंपॉर्टेंट, चेनाब की दो फर्दर स्ट्रीम्स हैं चंद्रा एंड भागा विच ज्वाइंस एट तंडी नियर केलोंग इन हिमाचल प्रदेश। वेरी इंपॉर्टेंट, हेयर इट इज ऑल्सो नोन एज चंद्रा भागा। इट फ्लोज टूवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट पंगी वैली एंड एंटर्स जम्मू एंड कश्मीर। ये जो बेसिकली नॉर्थ वेस्ट मूव करती हैं पंगी वैली से पंजी वैली बोल सकते हैं एंड जम्मू कश्मीर में एंटर करती हैं। एट अखनूर द चेनाब एंटर्स द प्लेन। अखनूर नाम की जगह पर जो हमारे चेनाब है वो प्लेन्स में एंटर कर जाती है। द रिवर फ्लोज फॉर द दैट इज 1180 किलोमीटर फ्रॉम बिफोर एंटरिंग द पाकिस्तान। जो रिवर है हमारी पाकिस्तान से पहले मूव पाकिस्तान में एंटर करने से पहले 1180 जो किलोमीटर्स है वो प्लेट में कवर करती है। द एवरेज एनुअल फ्लो ऑफ वाटर इन द चेनाब रिवर इज दैट इज 29000 मिलियन क्यूबिक मीटर एट मराला। इट ज्वाइन द सतलुज एट दैट इज पंचना इन पाकिस्तान। ओके, ये सतलुज को ज्वाइन करती है पंचना नाम की जगह में जो कि पाकिस्तान में है। रावी रावी हैज इट्स सोर्स इन कुल्लू हिल्स नियर रोहतांग पास इन हिमाचल प्रदेश। ओके, जो हमारी रावी रिवर है इसका जो सोर्स है वो कुल्लू हिल्स है जो कि बेसिकली रोहतांग पास के पास में है हिमाचल प्रदेश में। फ्लोइंग इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन इट ड्रेन्स द एरिया लाइंग बिटवीन पीर पंजाल एंड धौलाधार रेंजेस। अब ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को फ्लो करती है तो ये पीर पंजाल और धौलाधार है उसके जो बिटवीन में एरियाज है उसको ये क्या करती है, ड्रेन करती है। इट एंटर्स पंजाब प्लेन नियर माधोपुर एंड एंटर पाकिस्तान 26 किलोमीटर साउथ ऑफ अमृतसर। ठीक है, सो इट डिबाउचेज इन टू द चेनाब एट सराय सिंधु नियर रंगपुर। अभी उसको ये ज्वाइन करेगी कहाँ पर, सिंधु जो रंगपुर के पास है। इट्स एनुअल फ्लो ऑफ द माधोपुर इज दैट इज 8000 मिलियन क्यूबिक मीटर। सो लास्ट वन दैट इज सॉरी नेक्स्ट दैट इज बियास। सो इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द बियास कुंड रियर नियर रोहतांग पास एट एन एलिवेशन ऑफ 4000 मीटर अबव द मीन सी लेवल। द रिवर फ्लोज थ्रू द कुल्लू वैली एंड फॉर्म्स अ गॉर्ज एट काती एंड लोरजीन धौलाधार रेंजेस। ओके, ये जो रिवर है जो फ्लो करती है कुल्लू वैली में ये दो तरह के जो दो मतलब गॉर्जेस बनाती हैं, काती एंड लोरजी जो कि धौलाधार रेंजेस में है।
इट एंटर्स द पंजाब प्लेन्स नियर पोंग, ओके। जो पोंग नाम की जगह है वहाँ से ये पंजाब में क्या करती हैं, एंटर करती हैं। देन इट टेक्स साउथ वन डायरेक्शन एंड मीट्स द सतलुज नियर हरिके, हरिके पत्तन जिसे बोलते हैं, ओके। अब इसके बाद ये पंजाब में एंटर करती हैं, फिर बाद में साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मूव करती हैं और जो शिवालिक है और सॉरी सतलुज है उसमें ऐड हो जाती हैं, जो कि हरिके नाम की जगह है जहाँ पर ये ऐड होती हैं। द एवरेज एनुअल फ्लो ऑफ द बियास एट मंडी इज दैट इज 15,800 मिलियन क्यूबिक मीटर। द सतलुज एंड एंटीसीडेंट रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम मानसरोवर रकास लेक नियर दारमा पास एट द अल्टीट्यूड ऑफ दैट इज 4,570 मीटर इन तिब्बत, वेयर इट इज नोन एज दैट इज लॉन्गचेन खम्बन, ओके। सो इट फ्लोज ऑलमोस्ट पैरेलल टू द इंडस फॉर अबाउट 400 किलोमीटर बिफोर एंटरिंग द इंडिया थ्रू द शिपकीला पास। इम्पॉर्टेंट, ये लगातार जो हमारी इंडस रिवर है उसके पैरेलल मूव करती है 400 किलोमीटर एंटरिंग इंडिया थ्रू शिपकीला पास, ओके। इट हैज़ क्रिएटेड अ 900 मीटर डीप गॉर्ज इन नारी खोरसान प्रोविंस ऑफ तिब्बत। अभी ये मैंने आपको गॉर्ज पहले ही बताया, जो सपोज़ कीजिए वॉल्स हैं उसमें मिट्टी है, उसमें से बहुत तेज पानी निकलता है, तो जो बाउंड्रीज हैं उनको बीच से पानी निकल जाएगा, जो बाउंड्रीज हैं बिल्कुल स्टीप खड़े रह जाएंगे, उसे गॉर्ज बोलते हैं, ओके। ये नारी नाम की जगह है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा गॉर्ज बनाती है। सो इट्स मेन ट्रिब्यूटरी दैट इज स्पीति ज्वाइन इट एन नामगिया, ओके। जो स्पीति इसकी क्या है, ट्रिब्यूटरी है, जो नामजी और नामगिया नाम की जगह पर इसे ज्वाइन करती है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर एज इट फीड्स द कैनाल सिस्टम ऑफ द भाखड़ा, जो हमारा भाखड़ा नंगल डैम है वो इसी पर स्थित है। प्रोजेक्ट आफ्टर एंटरिंग द प्लेन्स एट रोपर, अब रोपर नाम की जगह पर ये प्लेन्स में आ जाती है। इट टर्न्स वेस्टवर्ड एंड इज ज्वाइंड बाई ब्यास एट हरिके, बाद में जो ब्यास को ये ज्वाइन करती है हरिका नाम की जगह पर, फ्रॉम फिरोजपुर टू फाजिलका इट फॉर्म्स अ बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। फिरोजपुर से लेके फाजिलका तक ये एक बाउंड्री क्रिएट करती है पाकिस्तान और इंडिया में, जो कि 120 किलोमीटर तक लगातार चलती है। आउट ऑफ इट्स टोटल लेंथ ऑफ 1,450 किलोमीटर इट फ्लोज फॉर 1,050 किलोमीटर इन इंडिया। अगर हम 1,450 किलोमीटर की टोटल लेंथ की बात करें तो 1,050 किलोमीटर वो इंडिया में मूव करती हैं, बाकी बाहर। इट्स एवरेज एनुअल फ्लो एट रूपनगर दैट इज रूपर इज दैट इज 16,600 मिलियन क्यूबिक मीटर। ये था हमारा इंडस सिस्टम। नेक्स्ट दैट इज गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम ओरिजिनेट्स एट द भागीरथ, जो भागीरथी नाम की जो हमारी जगह है गंगा, वहाँ से ओरिजिनेट होती है, फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर गौमुख। जो हमारा गंगोत्री ग्लेशियर है वहाँ से, जो भागीरथी नाम की जगह है वहाँ से गंगा ओरिजिनेट होती है, ओके। एलिवेशन कितना बताया है, दैट इज 7,010 मीटर। अलकनंदा द अदर हेड स्ट्रीम ऑफ गंगा हैज़ इट्स सोर्स ऑफ दैट इज सोतापंथ ग्लेशियर नियर बद्रीनाथ। जैसे भागीरथी है इसी तरह अलकनंदा है, जो कि हेड स्ट्रीम है किसके, गंगा की। उनका जो सोर्स बताया है दैट इज सोतापंथ ग्लेशियर नियर बद्रीनाथ। द अलकनंदा कंसिस्ट ऑफ द धौली एंड विष्णु गंगा विच मीट्स एट जोशीमठ। जो हमारी अलकनंदा है उसके बीच में धौली और विष्णु गंगा है, जो कि मिलती हैं आपस में जोशीमठ में। द अलकनंदा रिवर मीट्स, अलकनंदा रिवर जो मीट करती है, मिलती है, नंबर वन धौली गंगा रिवर एट विष्णुप्रयाग। जो अलकनंदा रिवर है वो धौली गंगा से मिलेगी विष्णुप्रयाग पे। बाद में द पिंडर रिवर एट कर्णप्रयाग, जो हमारी अलकनंदा है वो पिंडर रिवर से मिलेगी कर्णप्रयाग में। फिर मंदाकिनी और काली गंगा एट रुद्रप्रयाग, और बाद में फाइनली द भागीरथी रिवर एट देवप्रयाग, ओके। जो अलकनंदा है वो लास्ट में भागीरथी में मिलती है, किसमें, किस एरिया में, दैट इज देवप्रयाग में। सो एट देवप्रयाग गंगा गेट्स इट्स नेम। बेसिकली जो देवप्रयाग है उसमें जब अलकनंदा और भागीरथी मिक्स हो जाती हैं तो वहाँ इसको बेसिकली हम गंगा बोलते हैं।
आफ्टर ट्रेवर्सिंग दैट इज 280 किलोमीटर फ्रॉम इट्स सोर्स गंगा डिबाउचर ऑन गैंजेटिक प्लेन एट पिलग्रिमेज टाउन ऑफ हरिद्वार। तो बाद में 280 किलोमीटर चलने के बाद अपने सोर्स से जो गंगा है वो प्लेन्स में आ जाती है, हरिद्वार के प्लेन्स में आ जाती है। हियर सम ऑफ इट्स वाटर इज डाइवर्टेड टू द गैंजेस केनाल विच इरीगेट्स द दोआब रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश। इसके बाद थोड़ा सा वहाँ पर जो कैनाल्स वगैरह का एरिया है, कैनाल्स के कारण जो पानी है उसको इरीगेशन के लिए यूज़ किया गया है। बेसिकली जो दोआब रीजन है इसके उसका यूपी का, द गैंजेस हुज कोर्स हैज़ बीन रफली साउथ वेस्टर्न अंटिल दिस पॉइंट नाउ बिगन्स टू फ्लो साउथ ईस्ट थ्रू द प्लेन्स ऑफ नॉर्थन इंडिया। सो द रिवर फॉलोज अ 770 किलोमीटर कर्विंग कोर्स पासिंग थ्रू द सिटी ऑफ कानपुर बिफोर बींग ज्वाइंड द साउथ वेस्ट बाई यमुना। यमुना से मिलने से पहले ये कानपुर से होके गुजरती है, लगातार 770 किलोमीटर लगातार चलती है और बाद में साउथ वेस्ट में ये यमुना से मिलती है। कहाँ पर? दैट इज साउथ वेस्ट बाई यमुना एट इलाहाबाद। ठीक है, सो जॉइंड बाई द न्यूमरस रिवर्स सच एज कोसी, सोन, गंडक एंड घाघरा, द गैंजेस फॉर्म्स अ फॉर्मिडेबल करंट इन द स्ट्रेच बिटवीन द इलाहाबाद एंड मालदा इन वेस्ट बंगाल। सो एक्चुअली गैंजेस बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है हमारे भारत के लिए। ऑन दिस वे इट पासिस द टाउन ऑफ वाराणसी, बक्सर, पटना, भागलपुर। एट भागलपुर द रिवर मीडर्स पास्ट द राजमहल हिल एंड बिगन टू रन साउथ। उसके बाद वो मीटरिंग करती है और बाद में साउथ में मूव करना स्टार्ट हो जाती है, खास करके राजमहल हिल से। सो एट पाकुर द रिवर बिगिनस इट्स एट्रिएशन विद इन द ब्रांचिंग वे ऑफ इट्स फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटरी। डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब जो पानी मेन स्ट्रीम से लेके जाए, दैट इज भागीरथी हुगली। ओके, एक पाकुर नाम की जगह है जहाँ पर मेन ब्रांचिंग स्टार्ट होती है एज ए डिस्ट्रीब्यूटरी। सो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटरी दैट इज भागीरथी हुगली विच गोज ऑन टू फॉर्म ए हुगली रिवर। उसके बाद जो हुगली रिवर का निर्माण करती है नियर द बॉर्डर ऑफ बांग्लादेश द फरक्का बैरेज। ओके, आपने याद रखना है ये कि ये डिस्ट्रीब्यूटरी और ट्रिब्यूटरी में क्या फ़र्क है। सो बिल्ड इन 1974 कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ गंगा। जो हमारे बैरेजेस होते हैं ये पानी को कंट्रोल करते हैं, उसके फ्लो को, और बेसिकली ये भी देखते हैं कि कितना पानी हमें किस एरिया में चाहिए, तो उस एरिया उस पानी को वहाँ डाइवर्ट कर देते हैं। ओके, सो इट इज़ इम्पोर्टेंट ऑलवेज कीप इन माइंड। सो डाइवर्टिंग द सम ऑफ द वाटर इन टू द फीडर कैनाल लिंकिंग द हुगली टू कीप इट इन द रेलेटिवली सिल्ट फ्री। सो द फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ द बैरेज अक्रॉस द गंगा एट फरक्का एंड अनदर अक्रॉस द भागीरथी एट जांगीपुर। सो ये छोटे छोटे की पॉइंट्स हैं, ये अपने हमेशा याद रखने कि जो भागीरथी का जो बैरेज है वो जांगीपुर में है। ऐसे आफ्टर द एंटरिंग ऑफ बांग्लादेश, जब ये बांग्लादेश में एंटर कर जाती है, द मेन ब्रांच ऑफ गंगा इज नोन एज पद्मा रिवर। यस, इम्पॉर्टेंट, जब ये बांग्लादेश में एंटर कर जाती है तो जो मेन ब्रांच है गंगा की उसे पद्मा रिवर बोलते हैं। अंटिल इट जॉइन बाय द लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्र द जमुना रिवर एट दैट इज घालोंडो। ठीक है, सो फर्दर डाउन स्ट्रीम इट इज फेड बाय द मेघना रिवर। उसके बाद जब ये और नीचे जाती है तो इसके बाद उसको मेघना रिवर बोलते हैं। दैट इज सेकेंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा एंड फ्लोज एज मेघना टू एंटर द मेघना एस्चुरी नियर सागर आइलैंड। एस्चुरी का कॉन्सेप्ट आप ऑलरेडी जानते हैं, जैसे हमारे बे ऑफ बंगाल में जो रिवर्स ड्रेन होती हैं वो डेल्टास बनाती हैं, लेकिन अगर हम अरेबियन सी की बात करें, जो रिवर्स अरेबियन सी में ड्रेन होती हैं वो एस्चुरीज का निर्माण करती हैं। ओके, सो फर्दर डाउन स्ट्रीम, अगर फर्दर वो नीचे को जब बढ़ेगी, इट इज़ फेड बाय मेघना रिवर। तो बाद में मेघना रिवर का जो पानी इसमें एंटर हो जाएगा, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी? ब्रह्मपुत्रा की। एंड फ्लोज एज मेघना टू एंटर द मेघना एस्चुरी नियर सागर आइलैंड। सो द टोटल लेंथ ऑफ गंगा इज दैट इज
2525 किलोमीटर, ऑफ विच 310 किलोमीटर इज इन द उत्तराखंड, 1140 किलोमीटर इन यूपी एंड 445 किलोमीटर इन बिहार, 520 किलोमीटर इन वेस्ट बंगाल. द रिमेनिंग 110 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ गंगा फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन बिहार एंड यूपी. ओके, सो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो गंगा है वो किन दो स्टेट्स में एज ए बाउंड्री के काम करती है, दैट इज बिहार एंड यूपी. द यमुना एंड द सोन आर इट्स मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज. द इम्पॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आर रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा इन ऑर्डर टू द वेस्ट टू ईस्ट. अगर हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ देखें तो ये ऑर्डर हमने ऑलवेज याद रखना है. नेक्स्ट दैट इज यमुना, द वेस्टर्न मोस्ट एंड द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा. अगर हम वेस्टर्न मोस्ट की बात करें या सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा की बात करें तो यमुना उसका बेसिक नाम है. इट हैज़ द सोर्स ऑफ दैट इज यमुनोत्री, यमुना से यमुनोत्री ग्लेशियर ऑन वेस्टर्न स्लोप ऑफ दैट इज बंदरपुंछ रेंज. वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है आपने. बंदरपुंछ रेंज में क्या है, यमुनोत्री ग्लेशियर है, यहाँ से यमुना का ओरिजिन होता है. ठीक है, स्मॉल स्ट्रीम्स लाइक दैट इज ऋषि गंगा, उमा, हनुमान गंगा जॉइन इन इट द माउंटेन्स. ओके, ये छोटी छोटी जो है ये भी स्ट्रीम्स है छोटी छोटी जो इनको ज्वाइन करती है. दैट इज तोन्स जॉइंस इट नियर कालसी, सो इट एंटर्स प्लेन एट ताजेवाल. ताजेवाल में ये क्या होती है, यमुना है जो प्लेन्स में आ जाती है. इट जॉइन बाय द चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन ऑन इट्स राइट बैंक विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम द पेनिनसुलर प्लेट्यू, वाइल द हिंदोन, रिंद एंड सेंगार एंड द वरुणा जॉइन इट एट द लेफ्ट बैंक. ठीक है, ये हमेशा याद रखना है कि जो हमारी चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है, ये राइट बैंक से ऐड होती हैं, लेकिन अगर हम बात करें हिंदोन की, रिंद की, सेंगार की और वरुणा की, ये लेफ्ट हैंड से ज्वाइन करती हैं. इट जॉइंस द गंगा एट प्रयाग, दैट इज अलाहाबाद. द टोटल लेंथ ऑफ द यमुना फ्रॉम इट्स ओरिजिन टू प्रयाग दैट इज 1376 किलोमीटर. मच ऑफ इट्स वाटर फीड्स द वेस्टर्न ईस्टर्न यमुना एंड द आगरा केनाल फॉर द इरीगेशन पर्पसेस. बेसिकली जो हमारी यमुना का पानी है ये इरीगेशन के लिए ही यूज होता है, खास करके आगरा केनाल्स फॉर इरीगेशन लेवल और सिस्टम. नेक्स्ट दैट इज चंबल, सो राइजेज फ्रॉम दैट इज जनापनाओ हिल्स नियर महाओ इन द मालवा प्लेट्यू. मालवा प्लेट्यू आपने अगर मैप पे देखोगे तो मध्य प्रदेश में पाया जाएगा और मिलेगा. एंड फ्लोज इन नॉर्थ वर्ड थ्रू अ गॉर्ज अपवर्ड ऑफ कोटा इन राजस्थान. ओके, वेयर द गांधी सागर डैम हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड. सो जो गांधी सागर डैम है वो चंबल पर ही बनाया गया है. फ्रॉम कोटा इट ट्रेवर्स डाउन टू बूंदी, सवाई माधोपुर एंड धौलपुर. इम्पोर्टेंट, आपने ये ऑर्डर भी याद रखना है कि ये कोटा से बाद में नीचे को मूव करती है, कैसे, बूंदी, फिर सवाई, फिर माधोपुर, फिर धौलपुर एंड फाइनली जॉइंस द यमुना इन इटावा. दैट इज़ जो कि इटावा हमें पता है यूपी का डिस्ट्रिक्ट है. द चंबल इज़ द फेमस फॉर इट्स बैडलैंड टोपोग्राफी कॉल्ड चंबल रिवाइंस. हमने पहले भी ये टॉपिक पढ़ा है. ठीक है, जो हमारी चंबल, जो चंबल रिवर है ये अपने बैडलैंड टोपोग्राफी के लिए फेमस है और जिन्हें हम चंबल रिवाइंस बोलते हैं. द टोटल लेंथ ऑफ रिवर इज दैट इज 1050 किलोमीटर. द बनास ज्वाइन इट एंड सवाई माधोपुर. जो बनास है ये इसे ज्वाइन करती है माधोपुर में, एक तरह की इसकी ट्रिब्यूटरी है, किसकी, चंबल के. सिंध ओरिजिनेट इन द विदिशा प्लेट्यू ऑफ मध्य प्रदेश, इट फ्लोज फॉर अ डिस्टेंस ऑफ दैट इज 415 किलोमीटर बिफोर ज्वाइनिंग यमुना. फिर बेतवा राइजेज इन भोपाल डिस्ट्रिक्ट एंड ज्वाइन यमुना नियर हमीरपुर आफ्टर ट्रवर्सिंग अ डिस्टेंस ऑफ 590 किलोमीटर. दैट इज द धासान इज इट्स इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी, किसकी, बेतवा की. ओके, केन इज
360 किलोमीटर लॉन्ग रिवर राइजिंग फ्रॉम बारना रेंज ऑफ मध्य प्रदेश, इट जॉइंस यमुना नियर चिल्ला सोन, इट इज़ द लार्ज साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। ठीक है, साउथ लार्ज साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की, कौन, सोन, ओरिजिनेटिंग इन द अमरकंटक प्लेट्यू, वेरी इंपॉर्टेंट, जो सोन का ओरिजिनेशन पॉइंट है जहाँ से ये ओरिजिनेट होती है वो है अमरकंटक प्लेट्यू। आफ्टर फॉर्मिंग अ सीरीज ऑफ वाटरफॉल एट द एज ऑफ द प्लेट्यू इट टर्न्स नॉर्थ ईस्टवर्ड, काफ़ी सारे जो वाटरफॉल्स बनाते हुए ये नॉर्थ ईस्ट को मूव करती है, बैंड हो जाती है मतलब, इट रीचेज आरा वेस्टोपटना टू ज्वाइन द गंगा। ठीक है, बाद में ये गंगा को ज्वाइन करती है। द इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ सोन दैट इज जोहीला, गोपत, रिहान, रिहान इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये कभी कभी न्यूज में रहता है, कनहर एंड नॉर्थ कोयल। नेक्स्ट दामोदर, दामोदर ऑक्यूपाइज द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू वेयर इट फ्लोज थ्रू द रिफ्ट वैली एंड फाइनली ज्वाइंस द हुगली। जो दामोदर है ये बेसिकली ईस्टर्न मार्जिन को मूव करती है छोटा नागपुर प्लेट्यू के, और बाद में रिफ्ट वैली के थ्रू ये हुगली को ज्वाइन करती है। द बराकर इज इट्स मेन ट्रिब्यूटरी, जो बराकर है ये इसकी मेन ट्रिब्यूटरी है, वंस नोन एज सॉरो ऑफ बंगाल, वेरी इंपॉर्टेंट, हमने पहले भी टॉपिक किया हुआ है, जब इसमें बाढ़ वगैरह आ जाती है तो बंगाल में बहुत ज़्यादा तबाही मचाती है, सो इसीलिए हमें इसको कहना पड़ता है सॉरो ऑफ बंगाल एंड इट्स डिवास्टिंग फ्लड्स। द दामोदर हैज़ बीन नाउ टेम्ड बाय द दामोदर वैली कॉरपोरेशन मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट, अभी उसके पानी को थोड़ा डी चैनलाइज और चैनलाइज करने के लिए ये प्रोजेक्ट्स बनाए गए। नेक्स्ट द राम गंगा इज ए स्मॉल रिवर राइजिंग एट गढ़वाल हिल्स नियर कालागढ़, गढ़वाल हिल्स से जो हमारी राम गंगा नाम की एक छोटी रिवर पैदा होती है, ओरिजिन है इसका, इट चेंजेस इट्स कोर्स टू द साउथ वेस्ट डायरेक्शन आफ्टर क्रॉसिंग द शिवालिक, शिवालिक रिवर को जैसे ही क्रॉस करती है वो बाद में साउथ वेस्ट को मूव कर जाती है, एंटर इन टू द प्लेन्स ऑफ यूपी एंड नाजीबाबाद, जैसे ही वो शिवालिक को मूव मतलब पास करती है, जैसे पार करेगी पास करेगी बाद में वो साउथ को मूव कर जाती है और यूपी में एंटर हो जाती है जो कि नाजीबाबाद में पड़ता है एरिया। सो फाइनली इट जॉइंस द गंगा नियर कन्नौज, कन्नौज नाम के एरिया में उसको ज्वाइन कर लेती है राम गंगा, कन्नौज नाम के एरिए में गंगा को, मेन गंगा को ज्वाइन करती है। इट्स मेन ट्रिब्यूटरीज आर खो, द गंगन, आरएल, कोसी एंड द्योहा, जिसे गोरा भी बोलते हैं। द घाघरा ओरिजिनेट्स इन द ग्लेशियर ऑफ दैट इज मैपचेंगरू नियर गुरला मंदाता पीक साउथ ऑफ मानसरोवर, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ नोन एज दैट इज करनाली इन वेस्टर्न नेपाल, दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारी गुरला मंदाता के पास जो ग्लेशियर है घाघरा उससे ओरिजिनेट होती है, उसको हम वेस्टर्न नेपाल में करनाली भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। आफ्टर कलेक्टिंग द वाटर ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरीज, कौन कौन सी, तीला है, सेती है, बेरी है, इट कम्स आउट ऑफ माउंटेन्स कटिंग अ डीप गॉर्ज एट शीशा पानी। ठीक है, ये माउंटेन्स वगैरह को कट करके शीशा पानी नाम की जगह पर बहुत ज़्यादा बड़ा एक गॉर्ज बनाती है, कौन, घग्गर रिवर, घाघरा मतलब। सो द रिवर शारदा काली और काली गंगा ज्वाइन इट इन द प्लेन फॉर इट मीट्स द गंगा एट छपरा, छपरा गंगा से मीट छपरा नाम की जगह पर गंगा से मीट करने से पहले ये ज्वाइन करती है शारदा नाम की रिवर को। इट्स अदर ट्रिब्यूटरीज आर सरजू एंड राप्ती, एवरेज रेन एनुअल फ्लो क्या है उसकी वैल्यू 94000 मिलियन क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट शारदा, द सरयू रिवर राइजेज इन द मिलान ग्लेशियर इन द नेपाल हिमालयस वेयर इट इज नोन एज दैट इज गोरी गंगा, इंपॉर्टेंट, गोरी गंगा मतलब शारदा।
सो अगर किसी भी रिवर की बात करें तो उनमें कुछ फैक्ट्स क्या इंपॉर्टेंट होते हैं, उसका सोर्स क्या है, ड्रेन कहाँ होती है, कौन कौन से स्टेट्स के बीच में से होके गुजरती है, उसका एक पर्टिकुलर अलग नाम क्या है, जैसे गोरी गंगा, बूढ़ी गंगा, है ना। अलॉन्ग द इंडो नेपाल बॉर्डर इट इज़ कॉल्ड दैट इज़ काली, आफ्टर रीचिंग द प्लेन नियर दैट इज़ तनकपुर इट इज़ कॉल्ड चौका। सो ये नाम हमेशा याद रखने हैं। देन इट टेक्स अ साउथ ईस्टर्ली कोर्स टू ज्वाइन द घाघरा, बाद में वह साउथ ईस्ट को मूव करती है ताकि ये घग्गर नाम को घग्गर रिवर को ज्वाइन कर सके। नेक्स्ट गंडक कंप्राइजेस टू स्ट्रीम्स नेमली काली गंडक एंड त्रिशूल गंगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो गंडक है ये दो रिवर से, दो स्ट्रीम से बेसिकली मिलके बनती है, दैट इज काली गंडक एंड त्रिशूल गंगा। इट राइजेज इन द नेपाल हिमालय बिटवीन धौलागिरी एंड माउंट एवरेस्ट। ओके, नेपाल हिमालय से पैदा होती है, जो नेपाल हिमालय धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच के एरिया को नेपाल हिमालय बोला गया है। एंड द ड्रेन इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ नेपाल, जो सेंट्रल पार्ट है नेपाल का उसे ड्रेन भी करती है। गंडक इज नोन एज दैट इज नारायणी इन नेपाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नारायणी ऑफ नेपाल किसे बोलते हैं, दैट इज गंडक रिवर। इट एंटर्स द गंगा प्लेन इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार एंड ज्वाइन द गंगा एट सोनपुर नियर पटना। ये कुछ पॉइंट्स आपने हमेशा टिप्स पर रखने हैं कि जैसे नारायणी है ये नेपाल में बोला जाता है इसमें, ठीक है, जो गंगा सोनपुर है उसके पास जो पटना है, फिर बिहार है, फिर चंपारण है, ऐसे कुछ की पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। द एवरेज एनुअल फ्लो दैट इज 5 to 200 मिलियन क्यूबिक मीटर, इट्स मेन ट्रिब्यूटरी आर द दैट इज मेंगादी एंड बारी, याद रखना। जो गंडक है उसके जो दो हमारी ट्रिब्यूटरीज है मेंगादी एंड बारी। द बूढ़ी गंडक ओरिजिनेट्स फ्रॉम द वेस्टर्न स्लोप ऑफ सुमेसार हिल्स नियर इंडो नेपाल बॉर्डर एंड फ्लोज इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन। इट जॉइंट गंगा अपोजिट दैट इज मोंगायर, इट्स लेंथ इज दैट इज 1610 किलोमीटर। सो आपने कुछ पॉइंट्स इसमें ऐसे हैं जो की पॉइंट्स हैं, आपने हमेशा टिप्स पर रखने हैं। नेक्स्ट द कोसी इज एन एंटीसीडेंट रिवर विद इट्स सोर्स टू द नॉर्थ ऑफ माउंट एवरेस्ट। ओके, सो इन द तिब्बत, जैसे हमें ऑलरेडी पता है जो हमारा माउंट एवरेस्ट है वो तिब्बत का एक पर्टिकुलर पार्ट है। सो वेयर इट्स मेन स्ट्रीम दैट इज अरुण राइजेस। ओके, जो इसकी मेन स्ट्रीम है उसका नाम क्या है, अरुण। सो कोसी एक अपने आप में एंटीसीडेंट रिवर है जिसका सोर्स बेसिकली क्या है, माउंट एवरेस्ट के नॉर्थ में, जहाँ से इसकी जो अरुण नाम की जो मेन स्ट्रीम है वो पैदा होती है। आफ्टर क्रॉसिंग द सेंट्रल हिमालय इन द नेपाल इट जॉइन द सन बाय द सन कोसी फ्रॉम द वेस्ट एंड द तामूर कोसी फ्रॉम द ईस्ट। जैसे ही ये पूरे सेंट्रल हिमालय को पास करती है तो ये इट इज़ जॉइंट बाय द सन कोसी फ्रॉम द वेस्ट, सन कोसी इसको वेस्ट से ज्वाइन करती है और तामूर कोसी ईस्ट से। इट फॉर्म्स अ सप्त कोसी आफ्टर यूनाइटिंग विद रिवर अरुण एट त्रिवेणी। जब ये अरुण नाम की जो हम इसकी मेन जो लाइन थी, स्ट्रीम थी, जब इसको ये ऐड कर लेती है अपने आप में त्रिवेणी नाम की जगह, उसके बाद ये क्या बनाती है, सप्तकोशी, ठीक है। सून आफ्टर डिवर्जिंग द इन ऑन टू द प्लेन द रिवर बिकम्स स्लजिश ड्यू टू द हैवी लोड। जैसे ही ये प्लेन में आती है तो ये स्लजिश हो जाती है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लोड ऐड हो जाता है। द रिवर चैनल इज ब्रेडेड एंड इट्स शिफ्ट इट्स अकर फ्रीक्वेंटली। जो अभी क्या होगा, जो रिवर चैनल होगा वो ब्रेडेड कटा हुआ बनेगा, तो बाद में जो इसके पर्टिकुलर जो इसकी मूव्स है वो चेंज होती रहेंगी। सो दिस कॉजेज द डिवास्टिंग फ्लड्स दस द कोसी इज नोन एज सौरव बिहार। इसीलिए जो हमारा कोसी है, कोसी रिवर है, उसे हम सौरव बिहार बोलते थे, ठीक है। सो हनुमान नगर बैराज हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड इन 1965 टू कम टू टेम द रिवर।
इसीलिए 1965 में जो हमारा हनुमान नगर बैरेज है वो बनाया गया था। तो कोसी ज्वाइन द गंगा नियर कुरसाला, जो कोसी है वो गंगा को ज्वाइन करती है कुरसाला नाम की जगह के पास। सो नेक्स्ट वन दैट इज हमने इंडस सिस्टम कर लिया, फिर बाद में गैंजेस सिस्टम कर लिया, अभी दैट इज लास्ट दैट इज ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्र वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ वर्ल्ड हैज इट्स ओरिजन इन द दैट इज चेम यंगडंग ग्लेशियर, वेरी इंपॉर्टेंट, चेम यंगडंग ग्लेशियर ऑफ कैलाश रेंज, दैट इज मरियम ला सेपरेट्स इट्स सोर्स फ्रॉम द मानसरोवर लेक। सो फ्रॉम हियर इट ट्रावर्स द ईस्टवर्ड लॉन्गिट्यूडनली फॉर द डिस्टेंस ऑफ नियरली 1200 किलोमीटर इन ए ड्राई एंड फ्लैट रीजन ऑफ साउदर्न तिब्बत। सो सबसे पहले ये साउदर्न तिब्बत में ही मूव करती है, तकरीबन 1200 किलोमीटर, वेयर इट इज आल्सो नोन एज सांगपो, इम्पोर्टेंट। अगर तिब्बत में बात करें तो ब्रह्मपुत्र को सांगपो रिवर के नाम से भी जाना जाता है, विच मीन्स दैट इज द प्यूरी फायर। द रेंगो सांगपो इज द मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर फ्रॉम द नॉर्थ इन तिब्बत। जो रेंगो सांगपो नाम की जो ट्रिब्यूटरी है वो नॉर्थ से ऐड होती है इसमें। इट एमर्जेस एज द टर्ब्यूलेंट एंड डायनेमिक रिवर आउटर कार्विंग आउटर द डीप गॉर्ज इन सेंट्रल हिमालय नियर नामचा वर्बा। एक्चुअली ये नामचा वर्बा के पास एक डीप गॉर्ज भी बनाती है सेंट्रल हिमालय में। उसके बाद जो सदिया नाम का टाउन है अरुणाचल प्रदेश में, ये इसके बाद ये एंटर करती है इंडिया में। द रिवर इमर्जेस फ्रॉम द फुट हिल्स अंडर द नेम दैट इज सियांग और दिहांग। ओके, सो इट एंटर्स इंडिया वेस्ट ऑफ द सदिया। सदिया के वेस्ट से अरुणाचल प्रदेश का एक टाउन है, वहाँ से ये इंडिया में एंटर करती है। इट रिसीव्स इट्स मेन लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी, दिबांग और सिकांद एंड लोहित, तो वेरी इंपॉर्टेंट। सो देयर आफ्टर इट इज नोन एज ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, जैसे ही ये सदिया से एंटर करेगी, बाद में दिबांग सिकांग एंड लोहित इसमें ऐड हो जाएंगी, और बाद में ये ब्रह्मपुत्रा रिवर कहलाएगी जैसे ही इंडिया में आएगी। सो द ब्रह्मपुत्रा रिसीव्स द न्यूमेरस ट्रिब्यूटरीज इन इट्स 750 किलोमीटर लॉन्ग जर्नी थ्रू द असम वैली। इट्स मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज दैट इज बोड़ी देहिंग नोवा देहिंग धानसिरी साउथ दिब्रू देखू एंड कलांग, वेयर इज द इम्पोर्टेंट राइट बैंक, वो लेफ्ट बैंक थी ये राइट बैंक दैट इज सुबानसिरी कामेंग धानसिरी मानस एंड संकोश। द सुबानसिरी विच हैज़ इट्स ओरिजिन इन तिब्बत इज एन द एंटीसीडेंट रिवर। द ब्रह्मपुत्र एंटर्स बांग्लादेश नियर धुबरी एंड फ्लोज साउथवर्ड। उसके बाद जब धुबरी में एंटर हो जाती है बांग्लादेश में, तो ये साउथवर्ड मूव करती है। इन बांग्लादेश द तिस्ता ज्वाइन इट ऑन इट्स राइट बैंक फ्रॉम वेयर द रिवर इज नोन एज जमुना। अभी जो ब्रह्मपुत्र है, जब तिस्ता उसको ऐड कर लेगी राइट बैंक से, तिस्ता उसमें ऐड हो जाएगी, तो उसको जमुना बोला जाएगा। इट फाइनली मर्जेस विद द रिवर पद्मा विच फॉल्स इन द बे ऑफ बंगाल। द ब्रह्मपुत्रा इज वेल नोन फॉर फ्लड्स चैनल शिफ्टिंग एंड बैंक इरोजन। जो ब्रह्मपुत्र है उसका कैचमेंट एरिया बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण उसमें फ्लड्स चैनल शिफ्टिंग एंड बैंक्स को इरोजन बैंक्स इरोजन वगैरह की प्रॉब्लम काफ़ी आती है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट मोस्ट ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरीज आर लार्ज एंड ब्रिंग अ लार्ज क्वान्टिटी ऑफ सेडिमेंट्स ओइंग टू हैवी रेनफॉल एंड इट्स कैचमेंट एरिया। इसका बेसिक रीजन यही है कि जो इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो भी अपने आप में बहुत बड़ी हैं, और ये अपने आप में इसका खुद का कैचमेंट एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है, और इसमें सेडिमेंट्स भी बहुत ज़्यादा हैवी रहते हैं। इट हैज़ अ ब्रीडेड चैनल फॉर द मोस्ट ऑफ इट्स कोर्स इन असम एंड फॉर्म अ वर्ल्ड बेस्ट रिवर आइलैंड दैट इज माजुली आइलैंड। ओके, तो असम के पास एक बहुत बड़ा रिवर आइलैंड बनाती है ये, तो दैट इज माजुली आइलैंड। सो आशा करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। सो एक दो बार कोशिश करना चीज़ों को लिख के पढ़ने की और बाद में याद करने की। ठीक है, ये छोटे छोटे की पॉइंट्स हैं, अगर आपने याद कर लिए तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे।
सो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।